नाज़रीन, कराची जी आवाम जिते खाने पीने जी शौकीन है ता उते परंदन जो भी शौक रखने में एकड़ी वाहिद मशहूर है। इन वक्त असा सदर का कराची जी वही मेन मार्केट जेका है लालू खेत में मौजूद है। परंदन जी मार्केट में अचो था इतने मानून का विचार वठूं था उन्होंने छा चवण है हिसाब किताब दे रहे परंदों का। सर ये अलग अलग है, फाक का 300 का पेड़ है, बुलबुल 200 का पेड़ है, बड़ी बुलबुल 400 का पेयर है, पिद्दी 300 का, ऑस्ट्रेलियन 500 का, चूजा 100 का दो हैं। आप कहाँ से लाते हो? ये सदर से लाते हैं, प्रेस मार्केट। तो इसका लाइसेंस वगैरह होता है या बगैर लाइसेंस? नहीं नहीं, इनका वो चीज़ों का तो हम नहीं रखते जिनका लाइसेंस होता है, ये घरेलू परिंदे इनका नहीं होता है। तो बंदे लेने वाले ज़्यादा है या देखने वाले ज़्यादा है? लेने वाले भी है देखने वाले भी, शौक है ना, जिसको शौक होता है वो ले जाता है। मुर्गा लेना है घर के लिए, पालने के लिए या काटने के लिए? काटने के लिए। मिल गया? नहीं मिला, बहुत महंगे जा रहे हैं। कितने के दे रहे हैं? 1500-1200 इससे कम नहीं। तो वो कौन सी नस्ल का है? यही आम नस्ल जो काटने, आम नस्ल का भी इतना महंगा दे रहे हैं? देख लो यार भाई, ये मुर्गा नहीं है, मैं वहाँ मुर्गियाँ हैं, ये मुर्गियाँ बेच रहा हूँ। कितने की है ये? 400 रुपये की है कि समझे, ये 300 रुपये की है। तो उसमें क्या किस्म वगैरह होते हैं या एक ही नस्ल की होती है? नहीं नस्लें होती हैं, कोई मिश्री होता है, कोई कुछ होता है। आपके पास किस नस्ल का है? देसी भी होता है। ये दो फार्मी है मेरे पास, दो मिश्री, चार मिश्री हैं। तो लेने वाले ज़्यादा है देखने वाले ज़्यादा है? सभी हैं, गाह आटा भी है, जाता भी है। आप बेचते भी हो या लेते भी हो? मैं तो खाली मजदूरी करता हूँ यहाँ बैठ के, लोगों से माल लेके मजदूरी करता हूँ। किस्म के ये जो है चूज़े रखे हुए हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, मैं अपने तमाम फ्रेंड्स को वेलकम करता हूँ लालू खेत 10 नंबर मार्केट में, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की क्या एशिया की सबसे बड़ी बर्ड्स मार्केट है। यहाँ पे जो है मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ नस्लों के और मुख्तलिफ जो है ना ब्रीड्स जो है ना यहाँ पे आगे सेल होती रहती हैं। आज जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं गोल्डन बफ के बच्चे हैं, ये तकरीबन 1.5 महीने के हैं और इनके प्राइस हैं 1200 रुपये का पेयर है ये। इसके अलावा यहाँ आगे देख लें, ये छोटे में हमारे पास ये 1 मंथ के हैं, ये तकरीबन आपको मिलेगा 800 का पेयर। इसके अलावा इसमें ब्लू और ब्लैक का जो पेयर नज़र आ रहा है, ये 1500 रुपये का पेयर है, ये ब्लू बफ के। इसके साथ जो है ये भी छोटे हैं, ये भी सेम प्राइस है, 800 का पेयर है। इसके अलावा यहाँ देखिए आप, ये सिल्वर लेस पॉलिश है, ये सिल्वर लेस पॉलिश है, इसमें सिल्वर लेस पॉलिश के बच्चे हैं, गोल्डन बफ के बच्चे हैं, वाइट बफ के बच्चे हैं, छोटे बड़े हैं, ये डिफरेंट प्राइस है। उसके साथ हमारे पास मिश्री है, ये मिश्री के हमारे पास बच्चे हैं, ये 200 रुपये का पेयर है। उसके अलावा ये जो बड़े में आप देख रहे हैं गोल्डन बफ है, ये बड़े में नीचे वो मिश्री की मुर्गी है, 600 रुपये की मिश्री की मुर्गी है। आ जाए आप, वाइट का पेयर नज़र आ रहा है, ये वाइट बफ है, ये बड़ा पेयर 4000 रुपये का। उसके बाद जो पीछे है वो गोल्डन बफ है, गोल्डन बफ का पेयर जो है वो 4000 रुपये का है। उसके अलावा नीचे जो है ब्लैक और ब्लू है, ब्लैक और ब्लू का जो रेट है वो 5000 रुपये का पेयर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे भी हैं हमारे पास, फिशर, कोकेलो, लुटीनो। अगर आप हमारे पास इंशाल्लाह शॉप पर आएंगे तो हम आपको मज़ीद जो है बर्ड से तारुफ करवाएंगे। तो आप कहाँ से लाते हैं ये जान? सर ये हमने फार्मिंग की हुई है घरों में, वहाँ से हम अपने दोस्तों से ख़रीद कर परचेज कर यहाँ लेकर आते हैं, यहाँ आके अपने जो है नाज़रीन को जो है ये सेल करते हैं। तो इसमें अगर बीमारी वगैरह आ जाती है तो फिर उसको आप कैसे कवर करते हैं? देखिए वो अब डिपेंड करता है बीमारी पर, जिस तरह की बीमारी होगी उस तरह का ट्रीटमेंट होगा। लेट सपोज़ कि आपका बर्ड जो है वो शुरू से वैक्सीनेटेड ही नहीं है, उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। जो बर्ड शुरू से वैक्सीनेटेड होता है, प्रॉपर अगर उसमें कोई बीमारी हमला करती है, अटैक करती है, तो उसको जो है ना इजीली हम मेडिसिन वगैरह दे के रिजॉल्व कर देते हैं। अदरवाइज़ जो बर्ड जो है शुरू से ही वैक्सीनेटेड नहीं होता, उसको संभालना बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे किसी पोल्ट्री या नशेई को संभालना। जी, तो इसमें जब बीमारी आती है उसका कोई मौसम होता है या किसी वक्त भी बीमारी आ सकती है? सर देखिए, जिस तरह इंसान को बीमारी पकड़ती है, इसी तरीके से परिंदे को बीमारी पकड़ती है। मौसम तब्दील होता है, बीमारी आती है, मौसम जाता है बीमारी आती है, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ये चीज़ें आती हैं। इसका ट्रीटमेंट है, बस ट्रीटमेंट करें आपका बर्ड हेल्दी और एक्टिव रहेगा। कितने पता नहीं, कितने महंगे दे रहे हैं? क्यों लेने आए हैं? महंगे दे रहे? लिया या नहीं लिया अभी तक? नहीं लिया अभी तक। नहीं लिया क्यों? पता नहीं, मिल ही नहीं रहा। मिल नहीं रहा, कौन सा चाहिए आपको? हम लोग को चाहिए है पिंचेस और फिशेस। और यहाँ पे नहीं मिल रहा अभी, रेट बहुत है। रेट बहुत है, महंगे दे रहे हैं।
सर ये शिकरे पाले हुए हमने। पाले हुए जी, बेचने के लिए आया हूँ। तो इसके क्या नस्ल वगैरह होता है या एक ही? जी इसकी नस्ल होती है, शिकरा कैस्ट्रियल नस्ल है, इंग्लिश में कैस्ट्रियल बोलते हैं उसको। तो आप इसको कितने में जो है फरोख्त कर रहे हैं? 3,000 रुपये डिमांड है इसकी। दोनों की या एक की? एक की। एक तो लेते हैं बंदे ऐसा कुछ? जी जी बहुत बहुत शौकीन है कराची में, लोग शौक उनको बताते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं परिंदा बोले थे। ये बाहर से आते हैं या यहाँ पाकिस्तान? ये माइग्रेट करते हैं सर्दियों में, सर्दियों में माइग्रेट करके आते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ शिकारी इसको ट्रैप करते हैं, फिर हम उनसे बाय करते हैं और फिर यहाँ पर हम सेल करते हैं मार्केट में। इस तरह से प्रोसीजर पूरा करें, पहले हम इसको ट्रेनिंग देते हैं, वाइल्ड होते हैं इनको हम ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि हमने ट्रेनिंग दी हुई है, लेकिन आज से आ रहा है। जी नादरी नवा दिठो था असा जो इन वक्त लाजपाबाद में मार्केट में परंदन जी में मौजूद आयु ते वहाँ मुख्तलिफ़ मानू जहाँ वीचार बुधावे तो जरूरत इन गाल है तो मार्केट जो कराची में सब का अवेलेबल है, हर किस्म जहाँ इतने परंदा मिलन पाया ऐं के माण्हू जी एतिरी शिकायत हुई त हू काफ़ी तादाद में जेके आहिनि कुझु महांगा बि आहिनि कुझु सस्ता बि आहिनि, त इन हवाले सां असां वधीक बि माण्हुनि खां जेको आहे व्यूज़ वठंदासीं ऐं ॾिसंदासीं त हुन जो छा चवणु आहे। हिन वक़्त ताईं असांखे अॼोके ॾींहुं ते इजाज़त ॾियो, इनशाला ज़िंदगी रही त ॿिए हंधि ज़रूरु मिलंदासीं। बागी सागर पवार, सोच टीवी न्यूज़, कराची।